तो मैं हूं लोकेश, ऑल टेक फैक्ट के एक नए फिर इस कमाल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक के बारे में कुछ ऐसी बातों को जो शायद ही आप जानते होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जकरबर्ग के बारे में, जिसने फेसबुक को बनाया, कैसे बनाया, क्या आइडिया था, बचपन में उनका कैसा दिमाग था, बचपन में वे कैसे करते थे, कैसे थे वे पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में। आज के इस वीडियो में जकरबर्ग के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दें कि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया है, जो कि आज CEO है फेसबुक के। फ्रेंड्स, आपको बता दें जकरबर्ग का जन्म हुआ था 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में। और फ्रेंड्स, मम्मी जो है वो साइकाइट्रिस्ट थी और इनके जो पापा हैं वो एक डेंटिस्ट थे। जकरबर्ग को बचपन से ही कोडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, नए नए लैंग्वेजेस का यूज़ करके कुछ कोड बना लेना, कोई चीज़ छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना लेना, बचपन से ही इनको ये सब कामों में बहुत ज़्यादा हॉबी था। और ये घर में ही अपने फादर के कंप्यूटर से कुछ ना कुछ किया करते थे, और कभी C++ सीखकर कोई नया सॉफ्टवेयर बना देते थे, तो कभी कोई मीडिया प्लेयर बना देते थे, तो कोई ना कोई वेबसाइट बना देते थे, लॉन्च कर देते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने का भूत सवार था। और जब इनके पिताजी ने देखा कि इनको कोडिंग बहुत ज़्यादा करने में मन लगता है, इनके अंदर कोडिंग का कीड़ा है, तो इन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट ट्यूटर को अपॉइंट कर दिया। ये नहीं कि हमारे हिंदुस्तानी माँ बाप जैसा कि अरे तुमको तो अपना 8th class 9th class या फिर 12th class जिस क्लास में भी तुम पढ़ते हो उसका टेक्स्ट बुक ही रटना है, रटो GK रटो, हिस्ट्री रटो, 500-1000 साल पहले का हिस्ट्री रटो, साइंस में फॉर्मूला रटो, और ये नहीं रटोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद, मार्क्स से सब कुछ। ऐसा हमारे हिंदुस्तानी माँ बाप जैसा या फिर हमारे फ्रेंड जैसा कोई नहीं किया। इनको लगा कि इनके माता पिता को कि ये प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा आने वाला समय में प्रोडिजी बनने वाला है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट ट्यूटर को अपॉइंट कर दिया जो जकरबर्ग को अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाता था, और जिसके मदद से इनका टैलेंट और थोड़ा एलैबोरेट हो जाता है। तो आपको जिसमें टैलेंट है आप उसको पकड़ के रखिए। और फ्रेंड्स, जकरबर्ग के माता पिता ने भी यही समझा, बस फिर क्या था, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट आने लगा। और जब ये कोडिंग किया करते थे तो इनके टीचर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना फास्ट कोडिंग और इतना जल्दी किसी चीज़ को समझ जाना, ये मैं भी नहीं कर पाता था, और काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते थे जकरबर्ग के परफॉर्मेंस से। और फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा मीडिया प्लेयर बनाया जो कि यूज़र के सोच के मुताबिक, यूज़र की पसंद के मुताबिक उसका प्लेलिस्ट गानों का, म्यूजिक का तैयार हो जाता था। यानी उसमें एक ऐसा AI फंक्शन थोड़ा सा डाल दिया गया था जिससे कि म्यूजिक का सारा प्लेलिस्ट यूज़र के मुताबिक सेट हो जाता था। मीडिया प्लेयर को खरीदने के लिए कई लोगों ने बोली लगा दिया, माइक्रोसॉफ्ट तक ने, और यहाँ तक कि बहुत बड़े कंपनी AOL ने भी इसको बहुत सारे पैसे देकर इस म्यूजिक प्लेयर को खरीदना चाहा, लेकिन जकरबर्ग ने इसे नहीं बेचा। यदि फ्रेंड्स आगे बात करूँ तो इसके बाद ये चले गए, पहले लोकल स्कूल में पढ़ा करते थे, लोकल स्कूल में पढ़ने के बाद ये फिर थोड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद ये हार्वर्ड में गए। हार्वर्ड में जाने के बाद फर्स्ट ईयर इनका थोड़ा हल्का में बीत गया। सेकेंड ईयर में इन्होंने क्या किया, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने सोचा कि एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जिससे कि दो पीपल को या फिर दो गर्ल्स को या फिर दो बॉय को एक साथ उनके फोटो को रख के यह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए कि कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। और इस साइट का नाम रखा गया फेसमैश, और इसको बनाया गया 2004 में। जब इन्होंने इस फेसमैश को बनाया और तकरीबन फेसबुक तक कन्वर्ट होने में इनका उम्र 19 साल था। फ्रेंड्स, 19 साल की उम्र में इन्होंने फेसमैश बनाया। और इस वेबसाइट ने जब लॉन्च हुआ, इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया, तो इसको शुरुआत में सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट ही यूज़ किया करते थे, हार्वर्ड के स्टूडेंट ही यूज किया करते थे। जल्दी कुछ स्टूडेंट यूज इसका जल्दी करने लगे, और इन्होंने क्या किया, हार्वर्ड के डेटाबेस को इन्होंने हैक कर लिया और उनके सिस्टम से सारे लोगों के फोटो इमेजेस को चुरा लिया, और उसके बाद
दोनों का कॉम्प्रोमाइज करने लगे। इसके बाद जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी वो काफी ज्यादा बढ़ गई, कई लोगों ने 400-500 एक बार लोग यूज करने लगे, जिससे कि इसका सर्वर ही क्रैश हो गया और ये वेबसाइट बंद हो गया। और फ्रेंड जब ये वेबसाइट बंद हुआ तो उसके बाद इनके जो डायरेक्टर थे हार्वर्ड के, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई जकरबर्ग को और इस वेबसाइट को टोटली बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इनका कीड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ कोडिंग का। इन्होंने क्या किया, फेसमैश को एक नए डोमेन नेम से रजिस्टर कर दिया, द फेसबुक। अब द फेसबुक धीरे धीरे वापस से वही फेसमैश जैसा ही काम कर रहा था। अब इन्होंने महसूस किया कि ये जो फेसमैश है ये खाली हार्वर्ड के ही नहीं बल्कि इस अमेरिका के सारे लोग इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो बस सारे लोग इसका वेबसाइट का यूज़ करने लगे। धीरे धीरे पता चला कि पूरा दुनिया में भी यूज़ किया जा सकता है और फिर पूरा दुनिया में ये फेसमैश फैल गया और द फेसबुक से इसको बना दिया गया फेसबुक। आज पूरे दुनिया में तकरीबन इंडिया की ही यदि मैं बात करूं 294 मिलियन लोग फेसबुक में रजिस्टर्ड हैं और फेसबुक के महीने के करीब 1.5 से 2 बिलियन एक्टिव यूजर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात है। और फ्रेंड्स 1984 से लेकर 2019 यदि कैलकुलेट किया जाए तो 16 साल उधर और 19 साल इधर, 35 साल के उम्र में दुनिया के टॉप 10 अमीरों में इस छोटे से मार्क जुकरबर्ग का नाम भी शामिल है। द यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द 2019 में इनका नाम हमेशा शामिल रहता है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा अपने आप को इलेबोरेट कर पाए, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसा जार्विस बनाने के पीछे पड़े, एक ऐसा जार्विस डेवलप करने के पीछे पड़े हैं जो कि भरपूर AI, ऑटोमोशन और वर्चुअल रियलिटी से भरपूर रहेगा। तो फ्रेंड्स शायद इन सारी चीज़ों का लेने के बाद इनका पायदान और ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स इनको एक ही चीज़ बनाया इतना लाइफ में सक्सेसफुल, वो है डेडिकेशन। फ्रेंड्स यदि इनके पास डेडिकेशन और यदि किसी चीज़ को करने का जुनून नहीं रहता तो आज फेसबुक नहीं होता। तो फ्रेंड्स डू वॉट एवर वॉट यू लाइक टू डू। फ्रेंड्स जो आप पसंद करते हैं आप वही कीजिए, चाहे आप खेलना पसंद करते हैं तो खेलिए, चाहे आप गाना पसंद करते हो तो गाइए, आप नाचना पसंद करते हो तो नाचिए। यदि आप नाचना पसंद करते हैं और सोचिए कि नहीं हम मैथ बनाएंगे और मैथ में ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको वाकई में पसंद है नाचना और आपके सारे परिवार वाले सारे दोस्त प्रेशर कर रहे कि आप मैथमेटिशियन बनिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप ऐसा कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमको जिस फील्ड में मज़ा आता है हम वही कर पाते हैं। मुझे पसंद है बिजनेस में, IT इंडस्ट्री में, कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, तो मैं उसी फील्ड में ही अपने आप को तैयार करूंगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे सब जगह शेयर करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे सब जगह शेयर करते रहना काफी जरूरी है। तो इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ।